वाले को फ्रेंड्स क्यों नहीं बना मम्मी का, अम्मी बोल रही है फ्रेंड मेरा मत बनाना, क्योंकि अम्मी ना जब भी मेरे ब्लॉग में आई है ना ये वाला सुन कर के आई है ब्लू वाला, और मैं अम्मी को बोल भी रही थी मैं कि अम्मी तुम जब भी आई हो ना ब्लॉग में तुमने यही वाला सूट पहन रखा है, असल में क्या है इसमें हल्का है तो वो क्या करती है बार बार धो धो के इसको पहनती रहती है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इसे यही पहनती रहती है ज़्यादातर भी यही पहनती हो दादा। अभी अपनी अम्मी अचानक मेरे घर पे आ गई, सुबह में दांत मांज रही थी 10 बजे, तो कहने लगी मुझे ना ऐसे ऐसे नगर निगम में काम है ऑफिस में वही जाना है, अभी तो मैं तैयारी भी नहीं थी ना मैंने घर का काम किया ना नाश्ता किया, फिर थोड़ी देर वेट करी मैं कि चलो चलते हैं घर का काम है मैंने नहीं करके आई हूँ छोड़ के आ गई हूँ तो अब मैं जाके करूँगी, अभी अम्मी का जो काम है नगर निगम का पहले वो करवा देते हैं क्योंकि उसके बाद शायद छुट्टी पड़ जाएगी त्यौहार की वजह से, तो देखते हैं। अभी मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ वहाँ पर, मैंने सिर्फ नाम सुना है वहाँ का सहायका तकिया और नगर निगम का ऑफिस, कभी गई नहीं हूँ, पहली बार जा रही हूँ। साहिबा है, मैं हूँ, अम्मी है और आगे 7 बेड हुआ है और गर्मी बहुत है। आप फ्री फ्रेंड, मैं तो पहली बार इधर हॉस्पिटल में आई थी, ये सरकारी हॉस्पिटल है, इतनी भीड़ थी। अम्मी ने फॉर्म लिया, उसके बाद ये फॉर्म लेके 103 नंबर रूम में जाना था, चारों तरफ से पब्लिक ही पब्लिक ही थी। मैं तो खुद आगरा में इतने साल से रह रही हूँ लेकिन पहली बार मैंने ये हॉस्पिटल देखा था और घबराहट भी हो रही थी बहुत ज़्यादा भीड़ को देख के, और चारों तरफ मरीज ही मरीज थे फ्रेंड, लेकिन जाना भी ज़रूरी था। अम्मी भी बेचारी जा ही रही थी तो उनको देख के मैंने सोचा चलो, अपनी हिम्मत भी एकदम से बनाए रखी मैंने, और गर्मी से हाल सबसे ज़्यादा हम लोग परेशान थे गर्मी से, लेकिन खैर काम भी करना ज़रूरी था, साहिबा को दिखाना ज़रूरी था तो साहिबा की रिपोर्ट के लिए आए थे ताकि यहाँ पे बन जाए, लेकिन अम्मी कहाँ समझ रही थी मैं कि अम्मी गवर्नमेंट के काम है सरकारी काम है इतनी आसानी से नहीं होते हैं। उसके बाद डॉक्टर से अम्मी मिली, अंदर जाके अम्मी ने सारा मामला बताया डॉक्टर को, साहिबा को बारे में। डॉक्टर साहब अंदर एसी में बैठे हैं, जरा सा दरवाज़ा खुल रहा है ना, एसी की ठंडी ठंडी हवा इतना अच्छा लग रहा है। खैर कोई नहीं, जनता तो वैसे भी मरने के लिए पैदा हुई है, जो भी आराम उठाते हैं सरकारी नौकर वाले आराम उठाते हैं। अभी अम्मी अंदर गई, असल में साहिबा थोड़ा सा, मैं आपको शायद पता होगा, साहिबा थोड़ा सा अलग है, हम लोग कितना नॉर्मल नहीं है, तो उसका सर्टिफिकेट बन रहा है, उसके यहाँ पे उसकी ना पेंशन बन जाएगी, तो उसके लिए सरकारी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इनके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो भी है, तो मुझे तो पता नहीं है, बस मैं अम्मी के साथ आ गई हूँ, यहाँ से पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है किधर जाना है, उसके यहाँ पे साथ के साहिबा के जब डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएंगे फाइल, तो वो उसकी जो पेंशन है महीने की महीने बनेगी, क्योंकि साहिबा आपकी और मेरी तरह नॉर्मल नहीं है, अलग है, उसको हमारी तरह उसकी ज़िंदगी नहीं है, तो बस वो आप समझ जाइए, समझदार हो बाकी, इसलिए हम लोग यहाँ पर डॉक्टर के पास आएँ। हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, तो यहाँ पर शायद हमें किसी ने भेजा है, तो देखते हैं आगे क्या है, मैं बताऊँगी आपको। हम यहाँ पर आ गए छोले भटूरे खाने के लिए, सरकारी ऑफिस हो या सरकारी कोई भी काम हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, वहाँ पे सिर्फ धक्के खाने के अलावा काम तो बहुत देर में ही होता है, और काम अम्मी का इतना हुआ भी नहीं है, लेकिन भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो अम्मी यहाँ पे छोले भटूरे मिलते हैं, तो यहाँ पे मैं अम्मी हम सब लोग खाना खाने के लिए आ गए, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी, दोपहर का भी वक्त है, और अभी हम यहाँ से घर ही जाएंगे क्योंकि भूख बहुत तेज़ हो रही है, और मैं तो पसंद ही नहीं करती हूँ सच्ची में फ्रेंड, सरकारी ऑफिस में जाओ ना, ये लोग धक्का बहुत खिलवाते हैं, काम भी इतना करते नहीं है। उसके बाद अम्मी घर चली गई थी, मुझे कॉस्मेटिक की दुकान पे कुछ काम था, मैंने कुछ सामान लिया था, उसके बाद ही बाहर निकली थी ना फ्रेंड, इतनी तेज़ गर्मी थी कि मैं उस दिन समझ लो घर पे आकर रोई थी, मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, मैं अम्मी तो मुझे लेके मत जाया करो थी गर्मी में, मैं नहीं जाती हूँ। घर पे आ गई हूँ मैं, यकीन मानना इतना सर दर्द हो रहा है मेरा गर्मी के मारे, मैं शाम में ना मैं शाम को ही सारा काम करती हूँ, जो भी मेरा काम होता है यार क्या बताऊँ मैं, ये चीज़ मेरी इतना दर्द हो रही है, मैं अम्मी को बोली भी थी, अम्मी तो मुझसे तुम दोपहर में काम मत करवाया करो, शाम में चाहे आप जितना भी काम करवा लो, जहाँ पर भी आपको जाना हो आप चलो, पर दिन में मत जाया करो, लेकिन उनका काम दिन का ही था, मुझे पता नहीं था वो हॉस्पिटल जा रही है, हॉस्पिटल पहुँची वहाँ पर साथ का साहिबा थोड़ा सा बस प्रोसीजर बहुत लंबा है, अम्मी बात समझ नहीं रही है, मैं उनको बोल भी रही थी, मम्मी तो सरकारी काम है बहुत टेढ़े होते हैं, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है इनके कामों में, एक एक जगह ये लोग भेजते हैं, इनका काम अलग है किसी का काम अलग है, तो अम्मी को कम से कम 4-5 जगह उन लोगों ने बोला है जाने को, आपको पहले इस ऑफिस जाना है, यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भरेगा, यहाँ से आपको फिर दूसरी जगह जाना है, वहाँ से फिर दोबारा आपको इधर आना है, मेरी अम्मी बाप रे तुम ही करना, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मेरे को बच्चे का साथ का सब कुछ देखना पड़ता है, इतनी भागम भाग तो फ्रेंड मेरे से होगी नहीं, क्योंकि उनके काम जल्दी नहीं होते, आप भी जानते हो सरकारी काम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका कुछ काम का कुछ पता नहीं है, 2 महीने भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए, कि 2-2.5 महीने भी लग जाए, जो भी लगे, पर मैं तो भरोसा करती नहीं हूँ, सरकारी काम वाले बहुत भगाते हैं, बहुत थकाते हैं, एक सिग्नेचर के लिए कहीं और भेजते हैं, पेपर फॉर्म के लिए कहीं और भेजते हैं, तो मतलब धक्का मुक्की बहुत है भैया, अम्मी की भी तबीयत सही नहीं है, मेरी तो हालत में तो हो ही नहीं इस लाइक,
भैया मेरे से ये सब काम नहीं होते धूप वूप में जाने का, तो जो भी है कर लेंगे। साहिबा का मुझे ये है कि उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है, दवाई खाती रहती है फ्रेंड, वो शायद मैंने आपको पता नहीं, इससे पहले कभी बताया ही नहीं। बस साहिबा थोड़ी सी मेरी जैसी, हम लोग जैसी नहीं है, मेरी जैसी मतलब आप जैसी नहीं है, स्पेशल चाइल्ड है वो। उसको रंग कलर दिन उसको कुछ नहीं पता, उसको ये नहीं पता दिन मंडे संडे ये होते हैं, कलर होता है, ईद आती है त्यौहार पे क्या हो, मतलब उसको कुछ नहीं पता होता। उसकी लाइफ बहुत अलग है, उसको सिर्फ दो ही चीज़ में शौक है, टीवी देखना और दूसरा खाना। उसको अपने में भी इंटरेस्ट नहीं है, आपने कभी देखा भी होगा, वो कभी अच्छे कपड़े भी नहीं पहनती है, उसको नए कपड़ों में शौक नहीं है, बस पुराने नए कपड़े जब शादी होगी ना तो पहन लेगी, बाकी तैयार होना मतलब नॉर्मल, अब मैं क्या बताऊँगा आपको, छोटी छोटी चीज़ें वो मतलब नॉर्मल लाइफ नहीं है उसकी, थोड़ी अलग लाइफ है। तो इसलिए मैं थोड़ा भाग दौड़ कर रही हूँ। चलो पेंशन ऐसे लोगों के लिए सरकार ने पेंशन निकाली है, तो जिससे कि उसका जो इंसान है बच्चा किसी पे बोझ ना बने। और बोझ की बात भी क्या है, तो वो देखो माँ बाप है उनके लिए तो खैर कोई बोझ नहीं है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे अच्छे से रखेंगे। बट ये थोड़ा सा अगर सरकार ने कोई बेनिफिट दिया है तो वो सोच रही है मिल जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से ऑर्डर हुए कि अगर आपके घर में कोई ऐसा चाइल्ड है ऐसा बच्चा है और जो 60-70 साल की जो बुजुर्ग है उनके लिए सरकार ने पेंशन निकाली है, तो वो सरकार ऐलान तो कर देती है ये चीज़ सरकार की तरफ से मिलेगा ये मिलेगा, लेकिन उसके प्रोसीजर बहुत सारे होते हैं, तो वो प्रोसीजर के चक्कर में कितने लोग तो बेचारे करते ही नहीं है। वो सोचते हैं इतना पैसा भी तो होना चाहिए, ऑटो टम्पू करके जाना, अब कोई इंसान पैदल तो जाएगा नहीं, दर्द हो रहा है तो बहुत सारा, कोई ऑफिस दूर दूर होते हैं तो इंसान, बहुत से लोग इसका बेनिफिट का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि भैया ना तो टाइम होता उनके पास, ना ही तो पैसा होता, और फिर भरोसा भी नहीं करते पता नहीं कब आएगी कब। तो अम्मी की बस एक पहली पहल थी आज, और जो भी होगा आगे का वो कर लेंगी, बाकी मेरे से तो हिम्मत है नहीं जाने की फ्रेंड, जितना हो सकेगा मैं पास वास का कुछ काम होगा तो कर लूँगी, बाकी दूर दूर तो टाइम में नहीं दे पाऊँगी उनको। बस घर पे आ गई, साथ अरबी पढ़ने के लिए गया, खाना हम लोग खा के आ गए थे, अभी मैं थोड़ा सा आराम करूँगी जिससे कि शायद मेरा सर का दर्द हल्का हो जाए, नहीं होगा तो फिर चाय बना के पी लूँगी थोड़ी कड़क सी, और उसके बाद फिर घर का काम करूँगी। घर का काम मैंने कुछ भी नहीं किया है, उसके बाद बता रही हूँ, उसके बाद मैं साथ की साइकिल लेने जानी है, क्योंकि साथ की साइकिल जो मैंने सर्विस करने के लिए डाली थी उन्होंने आज शाम में बुलाया। उसके बाद जो केबल वाले हैं ना भैया, मेरे ऊपर छतरी लग रही है टिस्की, वो कल आंधी तूफान आ गया था हल्का सा, उससे हिल गई है, सिस्टम ख़राब हो गया है, तो चैनल नहीं आ रहा है कोई भी, तो वो भी आएंगे, वो भी काम देखना है, मतलब वन बाय काम है दो तीन। और उससे पहले थोड़ा सा लेट जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा जब उठूँगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि एकदम डाउन हो गई हालत, धूप बहुत थी, गर्मी बहुत थी फ्रेंड, और भीड़ वाले इलाके में मैं काफ़ी टाइम बाद गई थी। मुझे आज मुंबई का जे हॉस्पिटल याद आ गया, वो जे हॉस्पिटल की तनाई था, एक नंबर पे इधर जाओ, दो नंबर पे फॉर्म है, तीन नंबर पे डॉक्टर है, तो ऊपर है नीचे है, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वो था, सर दर्द वाला काम था फ्रेंड। लेकिन अल्लाह बस किसी के घर में ऐसी औलाद दे, बस अच्छी दे, नेक दे, ऐसा होता है ना, दो जिसके पास ऐसी औलाद होती है वही माँ बाप दर्द समझ सकते हैं। मेरे माँ बाप ही जानते हैं, मेरी माँ बहुत जानती है कि आज ऐसी, खासकर एक बेटी चाहते हैं फ्रेंड, दुख होता है, वो डॉक्टर से बात करती है तो रो जाती है, मुझे भी इस बात को बहुत ज़्यादा दुख होता है मेरा, कि जब वो डॉक्टरों से बात करती हैं साहिबों को लेके, तो वो बहुत रो जाती हैं, वो यही सोचती हैं जब तक मैं हूँ तो फिर मेरे बाद मेरी साहिबा का क्या होगा, एक माँ ही इतना ख्याल रख लेगी, वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनके दिल में चलती रहती है, तो जब वो डॉक्टर से बात करती है ना फ्रेंड, तो वो रो जाती हैं। बस अल्लाह करे साहिबा अच्छी हो जाए, इतना हो जाए, मतलब वो ये नहीं कह रही है चलो अगर उसकी शादी वगैरह नहीं भी हो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इतना हो जाए कि अपनी ज़िंदगी को समझने लगे, दिन कौन सा है, तारीख क्या है, नॉर्मल थोड़ा सा रह बोलने चलने लगे, बस वो यही चाहती है इतना। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, जो अल्लाह करता है बेहतर करता है, इसमें भी कुछ बेहतरी होगी, क्योंकि वो कभी किसी का बुरा नहीं करता। अभी मैं आराम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ, क्योंकि हालत डाउन हो रही है। ये छतरी वाले भैया भी आ गए लगाने के लिए, अभी सेट कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं छत पर। लंच टाइम हो गया है फ्रेंड, अब भूख भी बहुत तेज़ी से लग रही है, बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है मुझे। और आज मेरा ना दो दिन से ना वो जो क्या बोलते हैं कपड़ा खा गया, हीरा हो रहा था, वो जो उसका पुलाव होता ना सोयाबीन का, उसका खाने का मन हो रहा था ना, तो मैंने आज बना लिया और मैं खाने जा रही हूँ। साथ में खीरा है, चटनी पीस थी पर ना धनिया ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने छोड़ा, जाने तो धनिया नहीं है तो बिना धनिया ही चटनी पिसेगी नहीं, तो बस मैंने अचार है, खीरे काट लिए मेरे, ये रहे खीरे, और अब मैं खाती हूँ मस्त अपना सोयाबीन का पुलाव। कहाँ दिख रहा है एक बार दिखाती हूँ, बराबर दिखाती हूँ। कुछ दिन पहले जब हम साथ की साइकिल छोड़ के चले गए थे ना सर्विस के लिए फ्रेंड, तो साथ की साइकिल की सर्विस हो गई है, और साथ में हॉर्न वगैरह भी लगवाया। हॉर्न बता, आवाज आ रही है, आवाज चलेगा कि चार्ज वगैरह तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है, इसमें सेल लगते बस। अच्छा ठीक है, चलो और चेक कर लो।
नहीं सही से सही है। कैसे लेके बैठेगा, बैठेगा बराबर मुश्किल से। फ्रेंड साइकिल पकड़ के बैठे हैं साथ और में, फिर साइकिल गिर नहीं जाए। क्या क्या करना पड़ता है बच्चे के लिए। शहीद नगर में फ्रेंड में जिस काम की आई थी वो काम हो गया है। मैं पैसे ट्रांसफर करने आई थी, किसी को करने थे तो वो मैंने कर दिए। अब मैं लेने जा रही हूँ पनीर, और साथ को छोड़ के आई हूँ घर पर। पनीर लेके पनीर की सब्जी बनानी है, फिर घर जाती हूँ। सब्जी घर बनानी है या नहीं चाहिए था फ्रेंड, पनीर ले लिया है मैंने। अब फटाफट घर जाती हूँ, बहुत देर हो गई है मुझे। मैं आ गई हूँ फ्रेंड घर पे। आती है साथ को पहले मैंने नहलाया, क्योंकि साथ को स्कूल जाना है सुबह। साथ रोज रात को नहाते सोता है, और मशीन चल रही है घर में, कपड़े धुल रहे हैं। रात के 10 बजे रात की मशीन लग रही है। मेरा कल एग्जाम है, मम्मी करा दे मुझे। मेरा कल एग्जाम है, मम्मी मेरा टेस्ट ले रही है। हाँ, इसका टेस्ट ले रही हूँ मैं। और मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड मुझे भी शायद पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते फिर मेरा भी टाइम जाता है इसके अंदर। मैं सोच रही हूँ इसके साथ ही एडमिशन ले लूँ स्कूल के अंदर, सी की क्लास में, है ना। क्योंकि पूरा पूरा टाइम इसको घर में, चाहे मैं कितना भी बिजी हूँ, मैं इसको पूरा पूरा टाइम देना पड़ रहा है फ्रेंड। पता नहीं क्यों अपना भी याद नहीं करता, ट्यूशन भी जाता है, स्कूल भी जाता है, तब भी अपना काम छोड़ के मुझे इसको याद कराना पड़ता है रोज डेली। ना चलो सुनाओ, जल्दी सुना ले बेटा, 10:15 बज गए, तुम्हें कपड़े भी डालने हैं मेरे को तेरे। हैं ला, 2 मिनट बैठ के सुन, तू पैर दुख रहा है मेरे। ला के बुक दे, ये अनस्टेबल वर्ड लगाना। हां अनस्टेबल वर्ड। अच्छा, इसको मैं तो उल्टा सीधा कर दिया है। हां तो बेटा इसमें तू खुद देख ले, मैं इसमें क्या याद कराऊं। अरे वाह, थैंक यू। 10:30 बजे फ्रेंड कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि दोपहर में मम्मी की नस ली थी, उनकी इतनी तबीयत सही नहीं थी, वो डॉक्टर की गई थी और मुझे ये बात पता नहीं थी। जब पता चली तो फिर मेरा सोचा कपड़े बाद में धो लेती हूँ, पहले माँ, माँ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मम्मी के पास चली गई थी मैं, मम्मी थी नहीं, हॉस्पिटल गई थी। अब वहाँ से आई तो फ्रेंड कपड़े धोने थे, साथ का कल स्कूल है, और ये रही उसकी यूनिफॉर्म, अभी सूख जाएगी, सुबह बिना स्त्री के भेज दूँगी साथ को करा के, है ना सर। चलेगा चलेगा ना, थोड़ा हाँ। सा मेहनत कर लेना चाहिए ना कभी कभी। ठीक है चलेगा। एक औरत को रात में रात के 10 बजे तक काम करना पड़ता है। खाना छुआ फ्रेंड में, मम्मी के घर पे खा के आ गई थी तो इसलिए आराम से मशीन भी लगा ली मैंने, है ना। हाँ फ्रेंड जब पीछे पड़ोस में लड़ाई होती है तो आंटी ऐसा निकल कर आ जाती है। लेकिन वैसे ही मैं शाम में कपड़े धोती हूँ, दोपहर में गर्मी बहुत होती है, धूप में रात में आराम से धो लो। मस्त मैं छत पे बैठ के मोबाइल देखते, मैं है ना देखते सफेद झनकार हो रहे कपड़े। मम्मी की बेचारी की तबीयत ठीक हो जाए यार, बड़ी परेशान है, कभी कुछ हो रहा है उनको। आज उनको बुखार नहीं उतर रहा है तो मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा है यार, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है वो बीमारी से। और बीमारी में बीमारी नहीं है, तो बुखार है उनका, कभी जा रहा है कभी आ रहा है। बस फ्रेंड अभी जैसे अभी रुक आई हूँ, 12:15 बज रहा है, देखो दिखाती हूँ, ये 12:15 बज रहा है। 12 बजे मेरे कपड़ों की मशीन हटी है कपड़े धोते धोते। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई, बाहर ना एकदम से इतनी तेज़ और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, हाँ तो इतनी तेज़ इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, तो कपड़े धोने में मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। तो बस अभी कपड़े पर धुल गया, मशीन उठा दी, बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है तो। और ये मैंने दूध गर्म किया है, ये रहा, बहुत मेरे साथ पी ले मेरे, बैठी थी आवाज़ थोड़ी कम कर दी, फिर देखना ठीक है। साथ मेरे पुराने जो ब्लॉग है ना मुंबई वाले, उसको टीवी से कनेक्ट करके यूट्यूब से वो देख रहा है। अब मैं भी बॉर्नविटा ग्लास पी लेती हूँ, थोड़ा सा ताकत आ जाएगी, क्योंकि बहुत थकावट बहुत थकुई महसूस कर रही हूँ। मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, मेरे चेहरे से भी लग रहा होगा। हाँ मैं तो ये सो जाऊँगी, मैं बॉर्नविटा दूध पीऊँगी, थोड़ा सा वॉक करूँगी, हालांकि वॉक करने का मन नहीं है पर करूँगी ज़रूर, भले से 10-15 मिनट करूँ पर करूँगी ज़रूर। उसके बाद मैं फिर सो जाऊँगी, क्योंकि मेरी आँखों में बहुत ही नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है, सच्ची में आ रही है नींद यार, रात बहुत पता है थकुई लग रही है ज़्यादा। हाँ अरे ऐसा तो सुबह जल्दी उठ गई थी ना, उसके बाद दोपहर में लेटने को भी नहीं मिला था, मम्मी के घर चली गई थी। तो देख पुराने ब्लॉग में कितनी मोटी हूँ मैं अपने पुराने ब्लॉग देखती हूँ, यही बोलती हूँ साथ की कितनी मोटी हूँ, साथ कितनी मोटी हूँ। तू ऐसी ही है, तू 1 साल पहले भी ऐसी था, आज भी ऐसे ही है तू।
तेरे अंदर कुछ चेंजेस नहीं आते। साथ तो पुराने फोटो भी देखती हूँ ना फ्रेंड, साथ तब भी सेम लगता है, और साथ को मैं जब आज देखती हूँ 2-4 साल बाद तब भी साथ मुझे सेम ही लगता है। साथ उनके साथ तुम बढ़ता है ना घटता है, तो मोटा होता है ना पतला होता है। मेरे ब्लॉगों में काफ़ी मेरे में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। मैं मोटी से पतली हो गई हूँ, मैं खुश हो गई हूँ। जब पतली की बात आती है बहुत खुश हो जाती हूँ। चलो अभी बॉर्नविटा दूध पीती हूँ फ्रेंड, कल मिलती हूँ। ये ब्लॉग की एंडिंग में यही लेती हूँ, जो भी था 2 दिन का ब्लॉग था ये, शायद 2 दिन का ब्लॉग था ये जो आज ख़त्म कर रही हूँ उसको। फिर कल इंशाल्लाह कल सुबह नई ब्लू नई डायरी ऐसा बोलते हैं मुंबई में, नई ब्लू नई डायरी, नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, नया दिन नई तारीख नया ब्लॉग कल स्टार्ट करूँगी। आप भी थक जाओ तो आप भी बॉर्नविटा पी लिया करो, और दुआ में याद रखना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और बस ऐसे ही प्यार देते रहना मेरे चैनल को। और क्या बोलूँ फ्रेंड्स, आपको सब पता है, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब करना चाहिए, करा करो आप प्लीज़ फ्रेंड। मेरी थकावट उस दिन दूर होगी फ्रेंड, सच्ची बता रही हूँ आपसे, आपको बोलूँगी, आपको नहीं बोलूँगी तो उसको बोलूँगी, जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, जिस दिन मैं यहाँ आ जाऊँगी। अभी तो मैं यहाँ पर हूँ, बहुत नीचे हूँ मैं, अभी बस आपकी दुआएँ चाहिए प्लीज़ फ्रेंड। आज मैं बोलने की मेरे अंदर वो जो होती है ना जोश, वो जोश नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप समझो, सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं नई ब्लू नई डायरी के संग, नई तारीख के संग, नए दिन के संग, नई सुबह के संग। अल्लाह हाफिज़। हाँ बोलो, अभी आपने हमको इतना प्यार दिखा के 2 सब्सक्राइबर करवा दिए, ऐसे प्यार दिखाते रहना और जल्दी से मिलियन कर देना। हाँ माशाल्लाह, प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि चैनल ग्रो हो जाए मेरा। बहुत टाइम के बाद पी रही हूँ, अच्छा लग रहा है सारा ना। तू इतनी सॉफ्ट फिर दूध पी गया। हाँ लेकिन बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत टाइम के बाद पिया मैंने, और ज़्यादा डाला था पहले, मैं कम डालती थी अच्छा नहीं लगता था, मैंने ज़्यादा डाला इसके अंदर। एक काम कर, इसको अंदर किचन में रख के वॉशरूम में रख देना, मैं धो दूँगी, लाइट उतर दे किचन की।